जहाँ पे एक तरफ बॉलीवुड की तरफ से सिंघम 3, भूलभुलैया 3 जैसी मूवीज देखने के लिए मिल रही हैं और दूसरी तरफ हम लोगों को साउथ इंडस्ट्री की तरफ से अमरान जैसी मूवी देखने के लिए मिली है जो कि आर्मी लाइफ को दिखाती है। अगर आप लोग एक आर्मी लवर हो तो आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और ये जो मूवी है रियल स्टोरी से इंस्पायर है, मतलब जो भी घटना इस मूवी में दिखाई गई है वो सारी की सारी रियल है। मूवी में स्टोरी देखने के लिए मिलती है एक बंदे की जिसका सपना है आर्मी ज्वाइन करना, देश के लिए कुछ कर दिखाना। अभी तक इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत सारी मूवीज बन रखी है और ज्यादातर मूवी जो है रियल इंसिडेंट पे आधारित है, बट ये मूवी उन मूवी से थोड़ी सी अलग है। लाइक हम लोग को और आर्मी मूवीज में देखने के लिए मिलता है कि भाई एक बंदा है आर्मी ज्वाइन करता है, फटाफट वो अपने मिशन कंप्लीट करता है, इसके बाद वो लास्ट में मर जाता है या फिर जीत के वापस आ जाता है और स्टोरी खत्म कर दी जाती है। बट ये मूवी थोड़ी सी अलग है, लाइक इसमें भी वही चीजें होती है बट सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल से दिखाया गया है। या यूं कह लो एक आम मिडिल क्लास बंदा है जिसकी पूरी की पूरी लाइफ को दिखाया जाता है आर्मी के साथ, उसकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाती है कि भाई उस बंदे को किस किस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है अपने प्यार के लिए, शादी के लिए, फिर भाई आर्मी में जितने मिशन होते हैं उनके लिए और साथ में पैसे वगैरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी देखने के लिए मिलती हैं। मतलब मैंने बहुत कम ऐसी मूवीज देखी हैं जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल से बनाई जाती हैं और मूवी टोटल हम लोग को तीन घंटे के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो समझ जाओ कि भाई मूवी ने टाइम लिया है, पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि का 1% भी मूवी से मन नहीं हटेगा। मूवी में आप लोगों को सीरियसनेस, इमोशन भर भर के देखने के लिए मिलते हैं। मतलब भाई अगर आप लोग मूवी देखना स्टार्ट करोगे ना तो लास्ट तक तो आप लोगों के आंखों में आंसू तो जरूर ही आएंगे। मूवी का फर्स्ट हाफ उठा के देख लो या सेकंड हाफ उठा के देख लो, भाई दोनों ही जबरदस्त है। मुझे मूवी का कोई भी सीन फालतू नहीं लगा या फिर कोई ऐसा सीन हो जिसे मैं क्रिटिसाइज कर सकूं, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इवन इस मूवी में जो मेन कास्ट है उन्होंने अपना रोल काफी अच्छे तरीके से निभाया है, मतलब आपको कोई भी शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब भी कोई इंडियन आर्मी के ऊपर मूवी बनती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कश्मीर का नाम ना आए, तो ये पूरी की पूरी मूवी जो है कश्मीर के अगल बगल ही घूमती है। कैसे आतंकवादी जो है स्थानीय कश्मीरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें आर्मी के खिलाफ यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मूवी जो है रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है, तो साथ साथ में उस टाइम की जो रियल फुटेज है एक आध उन सभी को थोड़ा थोड़ा यूज किया गया है मूवी में। और मूवी के लास्ट में आप लोगों को रियल फोटो के साथ जो भी रियल आइडेंटिटी है बंदे की, परिवार है, जो एक आध फुटेज है वो सारी देखने के लिए मिलती है। आप लोगों में से कोई आर्मी बंदे की पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बारे में जानना चाहता है तो मैं बोलूंगा मिस मत करना। इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों के मन में इंडियन आर्मी के लिए और इज्जत बढ़ जाएगी। अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो आप लोगों को इस मूवी को पक्का ट्राई करना चाहिए, भाई मजा आ जाएगा मूवी को देख करके। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी।